Hello friends, welcome to your educational channel Estuary Through Math. Please subscribe and share. Let's start today's topic. फ्रेंड्स, आज हम लोग चर्चा करेंगे फाइनेंशियल एक्शन टास्क फोर्स का एक रीजनल ग्रुप है जिसका नाम है एशिया पैसिफिक ग्रुप ऑन मनी लॉन्ड्रिंग। इसने पाकिस्तान को हाल में ही ब्लैक लिस्ट में पुट कर दिया है, जिसका दूसरा नाम है ब्लैक लिस्ट का इन्हेंस्ड एक्सपेटिएटेड फ्लो ऑफ लिस्ट। तो आप इस बात को रिमेम्बर रखेंगे, चलते हम लोग इसको डिटेल से करते हैं। फ्रेंड्स, रिसेंटली पाकिस्तान को FATF फाइनेंशियल एक्शन टास्क फोर्स का रीजनल ब्रांच एशिया पैसिफिक ग्रुप ऑन मनी लॉन्ड्रिंग ने इसको ब्लैक लिस्ट कर दिया है। यदि दूसरे शब्द में कहा जाए तो एशिया पैसिफिक ग्रुप ऑन मनी लॉन्ड्रिंग ने इसको इन्हेंस्ड एक्सपेडाइटेड फ्लो अप लिस्ट में पुट किया है। ये दिख रहा है आपको, इन्हेंस्ड एक्सपेडाइटेड फ्लो अप लिस्ट में इनको रखा। क्यों रखा है? तो FATF फाइनेंशियल एक्शन टास्क फोर्स के द्वारा एक टारगेट दिया गया था पाकिस्तान को कि आपको टेरर फाइनेंसिंग और मनी लॉन्ड्रिंग को रोकना है अपने कंट्री में। तो इसमें 40 कंडीशन दिए गए थे, जिसमें से लगभग ये 32 पर जो है विफल रहे, तो इसलिए इसे इसमें शामिल किया गया है, मतलब पुट किया गया है इन्हेंस्ड एक्सपेडाइट फ्लो अप लिस्ट में। और अभी क्या हो रहा है, इसका टाइम पूरा हो रहा है, इनका टारगेट का टाइम। FATF ने इसको टारगेट दिया था पाकिस्तान को कि आपको जो 40 कंडीशन है आपको फुलफिल करना है अक्टूबर 2019 तक, आपको टोटल फुलफिल करना है अक्टूबर 2019 तक। आप यदि फ्लो नहीं करेंगे, टोटल कंप्लायंस नहीं करेंगे, तो आपको फाइनेंशियल एक्शन टास्क फोर्स के ब्लैक लिस्ट में रखा जाएगा। अभी तत्कालिक फाइनेंशियल एक्शन टास्क फोर्स ने पाकिस्तान को अपने ग्रे लिस्ट में रखा है, तो इस बात को आप रिमेंबर रखेंगे। तो अभी क्या हुआ, एशिया पैसिफिक ग्रुप ने इसे इन्हेंस्ड एक्सपेडाइट फ्लो अप लिस्ट में रखा। तो आप इन्हेंस्ड एक्सपेडाइट फ्लो अप लिस्ट टर्म जरूर रिमेंबर रखेंगे, ये पूछा जा सकता है किसी भी कॉन्टेक्स्ट में, इन्हेंस्ड एक्सपेडाइट फ्लो अप लिस्ट में अभी एशिया पैसिफिक ग्रुप ऑन मनी लॉन्ड्रिंग ने रखा है, जो FATF का ब्रांच है, न कि FATF। FATF यदि ये क्या कहते हैं पाकिस्तान कंप्लायंस नहीं कर पाती है अक्टूबर 2019 तक, तो पाकिस्तान को ब्लैक लिस्ट में रख सकता है। यदि कंप्लायंस कर ले तो हो सकता है इन्हें ग्रे लिस्ट से भी बाहर निकाल दे, तो आप इस बात को रिमेंबर रखेंगे। और एशिया पैसिफिक ग्रुप के बारे में हम लोग जैसे जानते हैं कि एशिया पैसिफिक ग्रुप एक रीजनल एफिलिएट है, किसका? फाइनेंशियल एक्शन टास्क फोर्स का। तो आप इसको रिमेंबर रखेंगे, ये भी पूछा जा सकता है। फाइनेंशियल एक्शन टास्क फोर्स का हेडक्वार्टर कहाँ है? तो हेडक्वार्टर आपको ऑस्ट्रेलिया के सिडनी में है। तो आप फाइनेंशियल एक्शन टास्क फोर्स का जो रीजनल ग्रुप है एशिया पैसिफिक ग्रुप APG या एशिया पैसिफिक ग्रुप ऑन मनी लॉन्ड्रिंग, तो आपको ये ऑस्ट्रेलिया का एक शहर है सिडनी, तो वहीं पर ये है, तो आप इसको रिमेंबर रखेंगे, यहीं पर इसका हेडक्वार्टर है। और यदि हम इसके बारे में देखें, किसके बारे में, एशिया पैसिफिक ग्रुप के बारे में, तो एशिया पैसिफिक ग्रुप का मेंबर कंट्री कौन कौन है? तो इसका मेंबर कंट्री बहुत सारे एशिया की कंट्री है, जैसे कि अपना इंडिया है, उसके बाद पाकिस्तान है, उसके बाद अफगानिस्तान है, उसके बाद बांग्लादेश है, उसके बाद आपको म्यांमार है, उसके बाद आपको चाइना है, उसके बाद आपको जापान है, उसके बाद आपको कनाडा है, उसके बाद आपको USA है। ये सारे जो है आपको एशिया पैसिफिक ग्रुप ऑन मनी लॉन्ड्रिंग APGA का मेंबर है, तो आप इसको रिमेंबर रखेंगे। और यदि हम लोग आगे चले तो इसमें ही देखते हैं, तो अब क्या होगा आपको, मींस दैट पाकिस्तान को जो है अपना टोटल कंप्लायंस जो है अक्टूबर 2019 तक करना पड़ेगा। यदि नहीं करेगा तो इसे ब्लैक लिस्ट FATF के द्वारा कर दिया जा सकता है। अब हम लोग थोड़ा सा FATF के बारे में देखते हैं, FATF है क्या, तो चलते हैं हम लोग FATF के बारे में देख रहे हैं। FATF जो है इसका फुल फॉर्म है फाइनेंशियल एक्शन टास्क फोर्स ऑन मनी लॉन्ड्रिंग। इसका दूसरा फ्रेंच में नेम है ग्रुप डी एक्शन फाइनेंसेरे, तो ये भी आप रिमेंबर रखेंगे, ग्रुप डे एक्शन फाइनेंसेरे। यह एक इंटर गवर्नमेंटल ऑर्गेनाइजेशन है, इसकी स्थापना 1989 में हुआ था। किसके इनिशिएटिव पे? तो G7 कंट्री जो है
उसके इनिशिएटिव पर हुआ था। किस चीज़ के लिए? तो मनी लॉन्ड्रिंग के लिए, मनी लॉन्ड्रिंग को फाइट करने के लिए, मतलब मनी लॉन्ड्रिंग जो किया जाता है उसको फाइट करने के लिए इसका निर्माण हुआ था G7 कंट्री के इनिशिएटिव पर। बाद में इसमें क्या हुआ, टेररिज्म फाइनेंसिंग, आतंकवाद को फाइनेंस देने का भी प्रावधान इसमें जोड़ लिया गया। मतलब आपको इस कम्बैट मनी लॉन्ड्रिंग एंड कम्बैट टेररिस्ट फाइनेंसिंग इसका मेजर पर्पस है। अब इसमें देखा कैसे जाता है, किसी भी कंट्री का निरीक्षण कैसे किया जाता है, तो इसके जो भी कंट्री होते हैं एक दूसरे कंट्री को पीयर टू पीयर रिव्यू करते हैं। पीयर टू पीयर रिव्यू मतलब क्लोजली जो इसके पड़ोसी देश होते हैं, जो इसके मेंबर होते हैं, वो देख रेख करते हैं कि ये अपने टेररिस्ट फाइनेंसिंग और मनी लॉन्ड्रिंग को रोकने में कितना वर्क कर रहा है। उसके आधार पर किसी भी कंट्री को ग्रे लिस्ट या ब्लैक लिस्ट किया जाता है, उससे निकाला जाता है या उसमें रखा जाता है। और FATF का फाइनेंशियल एक्शन टास्क फोर्स का हेडक्वार्टर OECD के बिल्डिंग में पेरिस में है। पेरिस कहाँ है, तो आपको फ्रांस में है, तो ये आप रिमेंबर रखेंगे। मतलब फिर से एक बार शॉर्ट में देख ले तो फाइनेंशियल एक्शन टास्क फोर्स का गठन G7 कंट्री के इनिशिएटिव पर 1989 में किया गया था। किस चीज़ के लिए? तो मनी लॉन्ड्रिंग को और टेररिस्ट फाइनेंसिंग को कम्बैट करने के लिए, इनसे फाइट करने के लिए। और इसका हेडक्वार्टर OECD के बिल्डिंग पेरिस में है। ये OECD का पार्ट नहीं है, ये आप रिमेंबर रखेंगे। इसको यूनाइटेड नेशन का वॉच डॉग भी कहा जाता है, तो आप ये रिमेंबर रखेंगे इस बात को, वॉच डॉग ऑफ यूनाइटेड नेशन अगेंस्ट टेररिस्ट फाइनेंसिंग इसका दूसरा नाम, या इसको ऐसे कहा जाता है कि वॉच डॉग है यूनाइटेड नेशन का टेररिस्ट फाइनेंसिंग के अगेंस्ट। तो लेकिन ये ना तो यूनाइटेड नेशन का पार्ट है, ना ही आपको OECD का पार्ट है, तो दोनों आप, ना ही OECD ना ही यूनाइटेड नेशन का पार्ट है, तो दोनों आप रिमेंबर रखेंगे। इसके बाद हम लोग आगे देखें तो आगे इसमें क्या है, इसमें बहुत सारे कंट्री मेंबर है, जिसमें इंडिया भी एक मेंबर है। अभी नया मेंबर इसका आपको सऊदी अरबिया बना है, सऊदी अरबिया बना है इसका नया मेंबर, तो आप ये भी रिमेंबर रखेंगे। किसका? FATF का। सऊदी अरबिया बना है, एकमात्र कंट्री है जो मिडिल ईस्ट से इसका मेंबर बना है, नया मेंबर। उसके बाद हम लोग यदि देखें तो इसके बाद इन्होंने पाकिस्तान को पहले ही ग्रे लिस्ट में रख चुका है। ग्रे लिस्ट में श्रीलंका भी है, यदि हम ऐसे कहें कौन कौन सा है, तो इसका दो लिस्ट, ये दो लिस्ट जारी करती है। मतलब OECD का ही लिस्ट होता है लेकिन ये जारी करता है। तो एक होता है ग्रे लिस्ट, एक होता है ब्लैक लिस्ट, मतलब FATF करता है। इसमें इन्होंने पाकिस्तान को रखा है हाल ही में कुछ दिन पहले, श्रीलंका पहले है ग्रे लिस्ट में, उसके बाद यमेन है, उसके बाद सीरिया है, उसके बाद ट्यूनिशिया है, उसके बाद इथोपिया है, उसके बाद घना है, उसके बाद बोतस्वाना, उसके बाद त्रिनिदाद एंड टोबैगो, उसके बाद बहामास, उसके बाद कंबोडिया, उसके बाद साइबेरिया। लेकिन ब्लैक लिस्ट में मात्र दो कंट्री को रखा गया है, एक है नॉर्थ कोरिया, दूसरा है आपको ईरान। दो कंट्री है जिसको ब्लैक लिस्ट में रखा गया है FATF का, तो आप इस बात को रिमेंबर रखेंगे। एक बात हम लोग देखते हैं कि इसका चीफ कौन है, प्रेसिडेंट कौन है FATF का। तो चाइना का एक है व्यक्ति जिसका नाम है जिया जियांगमिन लियू, ये चाइनीज सिटीजन है, इनका प्रेसिडेंट है FATF का, तो इसको आप रिमेंबर रखेंगे। और FATF का ही एशिया पैसिफिक ग्रुप ऑन मनी लॉन्ड्रिंग जो है एक एफिलिएट बॉडी है, उसी ने अभी पाकिस्तान को ब्लैक लिस्ट में रखा है, जिसका दूसरा नाम कहा जाए तो इनहेंस एक्सपेडाइटेड फ्लो अप लिस्ट में रखा है, ना कि FATF। FATF का ब्लैक लिस्ट अलग होता है, तो आप इस बात को रिमेंबर रखेंगे। तो FATF के अंतर्गत बहुत सारे जो है रीजनल ग्रुप आते हैं, जो अपने रीजन में कंट्री पर फाइनेंस, मनी लॉन्ड्रिंग और टेररिस्ट फाइनेंसिंग पर पैनी निगाहें रखता है। जैसे एशिया के क्षेत्र में कहा जाए तो एशिया पैसिफिक ग्रुप ऑन मनी लॉन्ड्रिंग, कैरेबियन समूह में कहा जाए तो कैरेबियन फाइनेंशियल एक्शन टास्क फोर्स, और यूरोप के लिए कहा जाए तो काउंसिल ऑफ यूरोपियन कमिटी ऑफ एक्सपर्ट ऑन एवोल्यूशन ऑफ एंटी मनी लॉन्ड्रिंग मीजर एंड फाइनेंसिंग टेररिज्म, इसको यदि शॉर्ट में कहा जाए तो मनी वेल कहा जाता है। और सारे भी हैं और कई हैं। और एक बात रिमेंबर इसमें रखने वाली बात फ्रेंड्स ये है कि FATF कोई भी सैंक्शन किसी भी कंट्री पे नहीं लगाता है, इस बात को आपको रिमेंबर रखना कि ना यह किसी भी, इसके पास कोई भी पावर नहीं होता है, ना इकोनॉमिक पावर होता है, ना ही कोई सैंक्शन लगाने का पावर होता है, ना इकोनॉमिक ना ही सैंक्शन लगा। ये जो है सिर्फ कंट्री को जो है एक टारगेट सेट करता है कंट्री के लिए कि आपको मनी लॉन्ड्रिंग को कैसे कंट्रोल करना है, टेररिस्ट फाइनेंसिंग को कैसे कंट्रोल करना है। यदि कोई कंट्री करने में सक्षम नहीं होता है उसके अकॉर्डिंग,
तो उसको ग्रे लिस्ट या ब्लैक लिस्ट में रखा जाता है। इससे क्या होता है, जब कोई भी कंट्री को ब्लैक लिस्ट या ग्रे लिस्ट में रखा जाता है तो इससे जो है उस देश की जो होता है डिफेमेशन होता है, बदनामी होता है, जिससे IMF और वर्ल्ड बैंक इस पर कुछ सैंक्शन लगा सकता है, या कुछ जो यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल के कंट्री है इस पर कुछ ट्रेड वाले या कोई भी सैंक्शन लगा सकता है। तो OECD को एक बेंचमार्क माना जाता है इसके लिस्ट को किसी भी कंट्री से व्यापार करने के लिए या और सारे रिलेशन रखने के लिए, तो इस बात को आप रिमेंबर रखेंगे। इसके बहुत सारे कंट्री जो है मेंबर है, जिसमें इंडिया भी इसका मेंबर है, आप जानते हैं इंडिया भी इसका मेंबर है, लेकिन एक बात रिमेंबर रखना है कि इसमें इसका मेंबर जो है पाकिस्तान नहीं है, ना ही तो पाकिस्तान है, ना ही एक नॉर्थ कोरिया किसी भी चीज़ का मेंबर नहीं होता है, तो नॉर्थ कोरिया भी इसका मेंबर नहीं है, ना ही इजिप्ट इसका मेंबर है, तो ये आप रिमेंबर रखेंगे। हालांकि सऊदी अरबिया इसका अभी नया मेंबर बना है, जो मिडिल ईस्ट से मात्र एक कंट्री है, इंडिया पहले से ही मेंबर है, तो आप इस बात को रिमेंबर रखेंगे। तो फ्रेंड्स इस टॉपिक में इतना ही था। फ्रेंड्स तो इस टॉपिक को यही खत्म करते हैं, फिर अगले टॉपिक में मिलेंगे। थैंक्स फॉर वॉचिंग, हैव अ नाइस डे फुल ऑफ जॉय।